हाय गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आपसे कुछ कहने वाला हूं गाइस कुछ टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। लेकिन इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ मतलब कि आपको रिटच वगैरह बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आपको कैसे करना है। तो गाइस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना, बाकी चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहले तो आप लोग अपनी फोटो को जो इंपोर्ट कर लेनी है आपको लाइटरूम ऐप में। एंड गाइस, आप देख सकते हैं मेरी फोटो यहाँ पे कितनी ओवर एक्सपोर्ट है, मतलब कि एकदम कुछ समझ नहीं आ रहा है ये फोटो में क्या ही एडिट होगा। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, गाइस आप लोगों को सबसे पहले तो इस लाइट वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको जाने के बाद यहाँ पे आपको पहले ब्लैक्स को जो है यहाँ पे कम कर देना है, ठीक है, ब्लैक्स को कम कर देना है। एंड उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ना ऊपर की तरफ जो कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है गाइस, आपको इसको कॉन्ट्रास्ट को भी जो है पहले हाईलाइट को माइनस कर देना है पहले, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कॉन्ट्रास्ट जो है ना उसको कम करना है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से देखिए गाइस, कॉन्ट्रास्ट को कम कर देने के बाद जो शेडो है इसको इंक्रीज़ कर देना है। एंड उसके बाद जो वाइट है इसको भी हल्का सा कम कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, आप लोग को यहाँ से चले जाना सिलेक्टिव टूल के अंदर, ठीक है। सिलेक्टिव टूल में जाएंगे एंड सिलेक्टिव टूल में जाने के बाद आप प्लस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जो है गाइस हम ये सर्कल वाला ग्रेडिएंट लेंगे। एंड उसके बाद हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम यहाँ पे अपनी बॉडी की तरफ रखेंगे इसको। एंड उसके बाद इसको जो यहाँ पे इन्वर्ट वाला ऑप्शन है जो आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा गाइस, ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपली इसके नीचे सेकंड वाले पे क्लिक कर देना, इन्वर्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे जाना है गाइस इस पे इफेक्ट वाले ऑप्शन में। एंड यहाँ पे जो है गाइस आपको यहाँ पे डेज है जो इसको यहाँ पे आपको बढ़ा देना है, ठीक है। मतलब कि जैसे ही आप इसे बढ़ाओगे तो जो भी इसके बाहर का एरिया होगा वो डार्क सा हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद इसमें आप चाहो तो थोड़ा ब्लैक्स को भी कम कर सकते हो, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आप लोग को फिर क्या करना है, इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली अपनी फोटो को डन कर देना है। अब गाइस देखिए यहाँ पे जो है आपको जाना है ऐसे कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद गाइस यहाँ पे क्या करना है आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ा देना है, ठीक है इतना। एंड इसके बाद आपको जहाँ से टेम्परेचर भी थोड़ा सा कम कर देना है ताकि थोड़ी सी ब्लू टोन हो जाए फोटो में। एंड उसके बाद जो यहाँ पे देखिए गाइस हमारे जितने भी कलर थे फोटो में सारे वापस आ चुके हैं अब अच्छे तरीके से। अब गाइस देखिए इसमें जाएंगे हम मिक्स में, यहाँ पे पहले हम येलो कलर सेलेक्ट करेंगे, इसका सैचुरेशन माइनस कर देंगे। एंड जो ग्रीन है इसका भी सैचुरेशन माइनस कर देंगे। एंड जो गाइस यहाँ पे ये वाला कलर है ब्लू वाला इसको भी माइनस कर देंगे। एंड जो डार्क ब्लू है इसको हम यहाँ से हल्का सा सैचुरेशन माइनस करके ल्यूमिनस भी माइनस कर देंगे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐसे जाएंगे ऑरेंज कलर में, यहाँ से हम अपने फोटो का जो ल्यूमिनस इसको बढ़ा देंगे ताकि फेस जो हमारा ब्राइट हो जाए। एंड उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको कर देंगे डन, ठीक है गाइस। इतना हो जाने के बाद आप लोग को फिर क्या करना है, फिर उसके बाद आपको जाना है आप कलर ग्रेडिंग वाले ऑप्शन में, आप यहाँ पे शेडो में जाकर आपको जो है पहले गाइस इसका सैचुरेशन बढ़ाना है, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ से आपको कलर देखना है कि आपको कौन सा कलर जो यहाँ पे सही लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस येलो में रखूंगा मैं इसको, ठीक है, येलो में रखूंगा। एंड उसके बाद जो यहाँ पे मिड टोन है, मिड टोन को गाइस यहाँ पे ब्लू में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम सैचुरेशन बढ़ा देंगे एंड इसको हम यहाँ पे गाइस ब्लू टोन में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इतना परफेक्ट लग रहा है। अब गाइस देखिए यहाँ पे जो है मतलब इतना हो जाने के बाद, अब गाइस देखिए यहाँ पे इतना हो गया। अब उसके बाद देखिए गाइस यहाँ पे हाईलाइट जो है, हाईलाइट्स में आपको गाइस देखिए क्या करना है, आपको यहाँ पे इसको येलो टोन में रखना है, ठीक है गाइस। यहाँ पे इसका हम सैचुरेशन बढ़ा देंगे एंड इसको येलो टोन में रखेंगे। अब गाइस देखिए यहाँ पे हमारा जो मतलब एक कलर टोन बन चुका है अभी, ठीक है। तो अभी इसके बाद आपको एक काम और करना है, इसमें आपको जाना है गाइस यहाँ से इफेक्ट में, इफेक्ट में जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लियरिटी इंक्रीज कर देनी है, ठीक है, इस तरीके से। एंड जो भी गाइस यहाँ पे हल्का सा विगनेट भी डाल देना अपनी फोटो में, ठीक है, विगनेट डाल दोगे तो एक अच्छा सा लुक आ जाएगा फोटो में। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको हल्का सा फीदर इसको इंक्रीज कर देना है। एंड उसके बाद चले जाना नीचे वाले टूल में, ठीक है। यहाँ पे और कोई कलर आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, आपको नीचे वाले टूल में जाना है, सॉरी सिलेक्टिव टूल में, फिर प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक सर्कल और लेना है। एंड इसको लेने के बाद जो आपको यहाँ पे अपनी यहाँ पे मतलब कि जो स्काई वगैरह दिख रहेगा यहाँ से आप सभी को जो है यहाँ पे रख के एंड जो इसको मतलब थोड़ा सा पहले छोटा कर लेना है, ठीक है। ये मतलब गाइस इसलिए करना है कि गाइस यहाँ से जो कोई इफेक्ट वगैरह आएगा ना गाइस, तो मतलब एक अच्छा सा मतलब कि एक लाइट क्रिएट होगी ना, तो गाइस एक फोटो में एक मतलब कि अच्छा सा एक लुक आएगा, तो आपको उसको थोड़ा इस तरीके से रख लेना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है लाइट वाला ऑप्शन में एंड इसका एक्सपोजर जो यहाँ पे इंक्रीज कर देना है इस तरीके से, ठीक है। एंड उसके बाद आपको कलर्स में जाना है, इसका यहाँ पे आपको सैचुरेशन बढ़ा देना है एंड जो ल्यूमिनस है सॉरी टेम्परेचर है इसको भी मैं येलो टोन की तरफ रख देना है। एंड उसके बाद इसको आपको नीचे की साइड में कुछ इस तरीके से ले आना है, तो गाइस यहाँ पे परफेक्ट लग रहा है। अब गाइस देखिए इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली अपनी फोटो को डन करना है। एंड गाइस यहाँ पे देखिए गाइस आपको मैं बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ एक बारी, तो यहाँ पे पहले हम इस वाले टूल में चलते हैं, शार्पनेस पहले इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे नॉइज रिडक्शन को भी बढ़ा देते हैं, जो कलर नॉइज रिडक्शन हम इसको भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अब गाइस देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर, तो गाइस देखिए ये हमारा बिफोर और है गाइस आफ्टर, तो गाइस यहाँ पे हमारी फोटो बहुत अच्छी तरीके से एडिट हो चुकी है। तो गाइस आप लोग भी ऐसी फोटो को एडिट करना, बाकी गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए गाइस मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।